जनपद संभल में शनिवार की देर शाम समाज सेवी मुशीर खां तरीन के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं AIIM के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर दिल्ली की बेटी साबिया सैफी के साथ हुए जघन्य अपराध व हत्या जैसी घटना को लेकर इंसाफ दिलाए जाने की मांग सरकार से की गई। साथ ही सरकार से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दरिंदों के लिए सख्त कानून बनाने की मांग सरकार से की गई। साबिया को कैंडल जलाकर खिराज अकीदत पेश की गई। आज ये किस लिए कैंडल मार्च निकाला गया है, किस तरह की मांगे रखी गई है? साबिया की जो निर्मम हत्या की गई है और उसके साथ में जो जो किया गया है, ये उसके साथ में हमें जो है ये हमारी मांग है कि इतने बड़े बड़े अपराध हमारे देश में हो रहे हैं और ये कानून इसके खिलाफ नहीं बन पाया। इसके हमारी मांग है कि जो इनके हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए और आगे को जब सख्त सजाएं मिलेंगी तभी तो इसके ऊपर कुछ लगेगा। हर थोड़े थोड़े दिन के बाद में कोई ना कोई इस तरीके की घटनाएं घटती चली जा रही हैं। हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कानून बनना बहुत ज़रूरी है। इसको हमारी मांग है कि उनके हथियारों को हर सूरत में फांसी दी जाए और सख्त से सख्त सजा मिले ताकि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो सर उठा के जी सकें।